हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हैप्पी जन्माष्टमी सभी को। तो आज मैं यहाँ पे एकदम सिंपल और इजी केक डिज़ाइन दिखा रही हूँ और आपको मैं सारा टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाली हूँ कि पेस्ट्री केक 200 रुपए में कैसे बना सकते हैं। तो ये अगर कोई होम बेकर्स है तो आप इस तरह से अपना केक 200 रुपए में बेच सकते हो। तो इसके लिए मैंने वेनिला स्पॉन्ज लिया है। तो इस केक के लिए मैंने 180 ग्राम्स ऑफ प्रीमिक्स लिया था फ्रेंड्स, और उसका मानो 300 ग्राम्स का बेस हो जाता है, स्पॉन्ज हो जाता है वेनिला। फिर सेम मैंने उसको 3 लेयर्स में कट करके उस पर मैंने बटर स्कॉच क्रश ऐड किया है और अभी मैं उसमें डाल रही हूँ बटर स्कॉच ग्रैन्यूल्स। तो फ्रेंड्स, ऐसे अगर कोई होम बेकर्स है और एकदम अचानक से ऑर्डर आता है और कोई बोल भी रहा है कि हमको अच्छे से प्राइस में या कोई डिस्काउंटेड, तो आप ये डिज़ाइन और ये ट्राई कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने फाइनल लेयर रख दी है फ्रेंड्स, और आपने अगर देखा होगा तो मैं ऊपर वाली जो लेयर रहती है वो हमेशा अपसाइड डाउन रखती हूँ, जिससे हमारी केक की हाइट बढ़ जाती है। जो कि दोनों लेयर में गैप आता है उसमें मैं क्रीम भर रही हूँ और उसके बाद उसकी हाइट एकदम बढ़ जाती है। मेरा केक का आप अगर फाइनल लुक साइड से देखोगे तो उसकी हाइट देख लेना आप फ्रेंड्स। अभी यहाँ पे मैंने क्रम कोटिंग कर लिया है पूरा केक, और अभी मैं इसको सेट होने के लिए रख रही हूँ फ्रिज में 7 से 8 मिनट के लिए। तो सेम प्रोसीजर है, हमको स्पैचुला से उठाना है और केक बोर्ड पे प्लेस करना है सेंटर पे। अभी ये सेट होके आया है और इसको मैं साइड से अच्छे से फिनिशिंग दे रही हूँ क्रीम से। तो फ्रेंड्स, देखना मेरी केक का और स्पॉन्ज का हाइट। अभी हमको ये केक बिल्कुल हाइटेड लग रहा है, तो जब आपके कस्टमर देखेंगे तो वो भी खुश हो जाएंगे कि अरे 200 रुपए में हमको भला बड़ा केक मिल रहा है। तो ये टिप और इम्पॉर्टेंट ट्रिक है इसकी, आप सब होम बेकर्स ध्यान देना। और अभी पूरा साइड वॉल मैंने क्रीम लगाया है और स्क्रैपर से मैं उसको फिनिशिंग दे रही हूँ फ्रेंड्स। ये स्क्रैपर से आप फिनिशिंग दोगे तो एकदम प्लेन एंड स्मूथ वॉल हो जाती है केक की। देखना मेरे साइड वॉल्स, अभी मैं ऊपर क्रीम लगा रही हूँ उसके, और ऊपर से भी प्लेन फिनिश्ड मैं एकदम बना रही हूँ उसको। तो ये हमारा एकदम से फिनिश्ड केक रेडी है। अभी हमको इस पे कलर देना है। तो आप ये कलर, मैंने ब्लू कलर लिया है, आप इसको क्रीम में भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी को ज़्यादा कलर नहीं चाहिए और एकदम वाइट केक भी नहीं दिखना चाहिए और हमारा भी क्रीम और केक क्रीम ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, इसलिए ये ट्रिक आप यूज़ कर सकते हो। स्पैचुला पे 2 ड्रॉप कलर लिया है मैंने, और बस स्पैचुला मैंने केक पे रख के राउंड टेबल घुमा दिया है और फिर मैंने उससे स्क्रैपर से पूरी तरह स्प्रेड किया है। अभी मैंने थोड़े क्रीम में वही ब्लू कलर ऐड किया है और N1 नोजल से मैं रोजेस ड्रॉ कर रही हूँ। देखना कितना मस्त लग रहे हैं ना ये रोजेस। अभी सेम मैं वाइट कलर क्रीम से रोजेस ड्रॉ कर रही हूँ। बिल्कुल ही सिंपल डिज़ाइन है, केक हमारा एकदम रिच दिखता है और इसका दाम भी बहुत कम हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इस पूरे केक के लिए मुझे लगा है बस 200 ml क्रीम, ज़्यादा क्रीम भी नहीं गया है मेरा। और देखना अभी बचा हुआ जो क्रीम था ब्लू कलर का, उसी से मैं बॉर्डर बना रही हूँ। फ्रेंड्स, आप अगर देख सकते हो तो मेरी केक की हाइट इस क्लिप में अच्छी तरह दिखाई दे रही है। तो इतना बड़ा हमारा केक लग रहा है, सो कम प्राइस में बेस्ट डिज़ाइन, एकदम डिज़ाइनर केक लग रहा है। तो आप होम बेकर्स है, बिगनर्स है, तो ऐसे प्लीज़ ट्राई करना। देखो मेरी पूरी बॉर्डर रेडी हो गई है और ये है मेरा पूरा एकदम केक का लुक, जो कि एकदम मॉडर्न डिज़ाइनर और मस्त लग रहा है। अभी इस पे मैं स्प्रिंकल्स ऐड करूँगी, जो मेरे पास शुगर बॉल्स है, तो वो मैं एक एक ऐड कर रही हूँ, तो थोड़ा सा लुक अच्छा लग रहा है। बस यहाँ तक ही केक आप इतना ही दे के
मतलब इतना ही डिज़ाइन कर सकते हो, मैंने बस थोड़ा ऐड कर दिया है। तो मेरे पास जो गोल्डन वर्क बचा हुआ था थोड़ा सा, तो मैंने उधर वाइट के ऊपर रख दिया है। आप गोल्डन शुगर बॉल भी उस पर रख सकते हो, ये ऑप्शनल है। और ये है रेडी। अभी बीच में अगर आपको कुछ खाली लग रहा होगा तो आपके पास कोई भी स्प्रिंकलर्स हो आप उसे स्प्रिंकल कर सकते हो। मेरे पास ब्लू कलर के हार्ट्स थे। तो फ्रेंड्स, ये है मेरे केक का फाइनल लुक। और आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी जाके सब्सक्राइब करके आए और बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। स्वस्थ खाएं, मस्त रहें।